नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आज मैं भिंडी की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मसालेदार भिंडी बनाऊंगी। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, भिंडी को अच्छी तरह से धोकर सुखाकर ले लिए और इसे इस तरह से कुछ एक बड़ी भिंडी को तीन या चार पीस करेंगे, बड़ा बड़ा काटेंगे। मेरा मतलब है इस तरह से काटेंगे। जो छोटी भिंडी होगी उसे दो टुकड़ा करेंगे और जो बड़ी भिंडी होगा तीन टुकड़ा करेंगे। इसी तरह से सारे भिंडी काट लेंगे। देख सकते हैं सारे भिंडी काट चुका है। चलिए इसे रखते हैं एक साइड और कढ़ाई की ओर चलते हैं। कढ़ाई मेरा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ भिंडी और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। कभी कभी भिंडी ताज़ा होने की वजह से अक्सर लसलसाता है, ये भिंडी का नेचर है। अगर आप लसलसापन कम करना चाहते हो भिंडी का तो 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे तो लसलसापन कम हो जाता है। जब तक ये भिंडी भून रहा है तब तक चलते हैं मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ ले लिए मिक्सर ग्राइंडर का जार और इसमें 7 से 8 छोटी छोटी मिर्च ले रहे हैं। अपना टेस्ट के अनुसार लें, जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अनुसार। यहाँ देख सकते हैं कि अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं, 5 से 6 लहसुन का कली ले लिए हैं और 1/2 चम्मच जीरा ले लिए हैं और 1/2 छोटी चम्मच गोल की ले लिए हैं और 1/2 चम्मच सरसों डालेंगे। 1/2 चम्मच धनिया डाल देते हैं। एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची डाल देंगे और सभी को पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये पीस के लिए आए हैं। अब इसे रखते हैं एक साइड में, चलते भिंडी देख लेते हैं। भिंडी भी भुंजी गया है। भिंडी को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देख सकते हैं भिंडी भूंज कर निकाल लिए एक प्लेट में। अब चलते हैं फिर कढ़ाई की ओर। कढ़ाई में डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। आधी छोटी चम्मच के लगभग है सरसों और सभी को अच्छी तरह से चटकने देंगे। अब डाल देते हैं 1 हरी मिर्च डालेंगे, उसे तोड़ लेंगे, नहीं तो वो फट सकता है और छिटक सकता है तेल, इसलिए तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसे भी लाल होने तक भून लेंगे। प्याज का कच्चापन निकालना ज़रूरी है। देख सकते हैं प्याज भून गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को हम कद्दूकस कर लिए हुए हैं। देख सकते हैं कद्दूकस कर डाल रहे हैं टमाटर को। 1 टमाटर डाल रहे हैं। अब साथ ही डाल देते हैं पीसा हुआ मसाला है जो पीस कर तैयार किए थे, उसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब मसाला वाला जार को भी धो के डाल देंगे पानी। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
अब थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसाला ज़रा सा भी कच्चापन रहा तो सब्ज़ी में टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए मसाला को बहुत अच्छे से भूनना बेहद ज़रूरी है। देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा से भून जाया, इसका बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाला चिपक रहा है कढ़ाई से। अच्छी तरह से मिला लेंगे मसाला और पानी को। अब डाल देते हैं भुंजा हुआ जो भिंडी रखे थे भूंज कर, उसे डाल देंगे इसमें। और मसाला और भिंडी दोनों को साथ साथ भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि मसाला और भिंडी एक दूसरे में घुल मिल जाए अच्छी तरह से। देख सकते हैं मसाला और भिंडी भी अच्छी तरह से भून गया। अब भिंडी चिपकने लगा कढ़ाई से, इसलिए पानी डाल देते हैं। अब अच्छी तरह से मिला लेते भिंडी और मसाला, और जो कढ़ाई से चिपका उसे भी छुड़ा लेंगे। और इसमें थोड़ा और पानी डालते हैं, इतना पानी डालेंगे कि भिंडी अच्छी तरह से डूब जाए पानी में। और इसे हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे, उसके बाद जब उबल जाएगा तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद ये भिंडी तैयार होगी। चलिए इसे उबलने देते हैं। देख सकते हैं उबल गया, एक बार अच्छी तरह से चला देते हैं और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। 5 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं भिंडी खाने के लिए तैयार है। अब इस वक्त गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसे निकालेंगे एक बॉल में। चलिए इसे निकाल लेते हैं। आप इसे रोटी, चावल, पराठा, नान, पूड़ी किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देख सकते हैं बनकर कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है, उतनी खाने में बेहतरीन लगता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपसे शेयर करती रहूँगी। तब तक मैं आपसे लेती हूँ विदा। बाय बाय।